Dear student, I am a Pankaj Kumar Mishra, assistant professor in zoology, government PG college Dholpur. तो आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है. आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम सेरी कल्चर का अध्ययन करेंगे. हमने पिछले वीडियो में एपिकल्चर के बारे में पढ़ा था, तो आज यहाँ पर हम जो कल्चर टेक्निक है उसमें हम सेरी कल्चर का अध्ययन करेंगे. तो सेरी कल्चर में हम आज इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन और इसके टाइप्स ऑफ सिल्क और सिल्क बोर्न ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे, तथा इसके सेकंड पार्ट में हम कल्चर टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं सेरी कल्चर के इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन पार्ट से. सेरी कल्चर की जो शुरुआत है वो चीन से हुई, यानी कि चीन में सेरी कल्चर को का इस्तेमाल किया गया, और चीन के बाद ये फ्रांस, इटली, जापान, टोक्यो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में इस सेरिकल्चर को स्थापित किया गया. भारत में सिल्क, भारत में ऐसे पांच स्टेट हैं, भारत में ऐसे पांच राज्य हैं जहां पर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक किया जाता है. इसमें भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पर है आपका तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ नंबर पर ये जम्मू कश्मीर में सेरी कल्चर का उपयोग किया जाता है, सेरी कल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है. और कर्नाटक में सबसे अधिक सेरी कल्चर का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है. और इसके बाद में सेंट्रल सेरी कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थापित किया गया है. तो ये सेरी कल्चर, ये पूरी दुनिया में इसका सेरी कल्चर का उपयोग किया जा रहा है. सेरी कल्चर जो सबसे अधिक मात्रा में पूरी दुनिया में सबसे अधिक सेरी कल्चर से का प्रोडक्शन सबसे अधिक चाइना में होता है, और चाइना के बाद सेकंड नंबर पर भारत है, और भारत के बाद में फिर ये जापान, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी में सेरी कल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है. तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में था. अब इसकी जो डेफिनेशन है, रेशम के कीड़े को पालकर उससे सिल्क फाइबर से प्राप्त करना, तो ये सेरिकल्चर कहलाता है. रियरिंग ऑफ सिल्क बॉर्न टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स, इसमें जो रेशम का इंसेक्ट है उसको पालकर उसे सिल्क फाइबर्स या सिल्क का प्रोडक्शन करना, ये सेरिकल्चर कहलाता है. सिल्क बॉर्न इज ए मोथ, यानी कि सिल्क बोर्न क्या एक मोथ है, नॉट ए बोर्न, ये बोर्न नहीं है, ये जो सिल्क बोर्न है क्या है, इंसेक्ट है. बोर्न जो टर्म्स का, बोर्न जो होते हैं कृमि कहते हैं इनको, और इस बोर्न शब्द का उपयोग लार्वा के लिए किया जाता है, क्योंकि जो बोर्न है ये कृमि होते हैं, कृमि लाग जैसे इस संरचना के लंबे होते हैं और ये खंड युक्त होते हैं, तो ये बोर्न शब्द का उपयोग लार्वा के लिए करते हैं. अब इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन के बाद में थर्ड जो आपका पॉइंट है क्लासिफिकेशन, जिसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडिज, संधि युक्त पांव पाए जाते हैं. क्लास इंसेक्टा का मतलब थ्री पेयर लेग्स, थ्री इंसेक्टा का मतलब क्या होता है कि थ्री पेयर लेग्स. और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर कौन सा है इसका, लेपिडोप्टेरा, और फैमिली इसकी बॉम्बे सिडी है, बॉम्बे सिडी, और
सेकंड फैमिली है सेटरनेटी। सेटरनेटी है जीनस इसका बोमिक्स है और इसकी जो स्पीसीज है वो मोरी है। तो ये इसको अपन बोमिक्स मोरी कहते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सिल्क। ये जो कितने प्रकार के ये सिल्क सिल्क बॉर्म होते हैं, तो ये इसमें फर्स्ट है ये चार या पांच प्रकार के सिल्क बॉर्म होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मलबरी मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क जिसको सामान्यतः बोमिक्स मोरी या चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोमिक्स मोरी या चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। ये सबसे बेहतर क्वालिटी का सिल्क है। ये सबसे बेहतर क्वालिटी का सिल्क है और भारत में जितना सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें 88 से 89% उस 88 से 89% मलबरी सिल्क के रूप में प्राप्त होता है। यानी भारत में जितना प्रोडक्ट सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 88 से 89% मलबरी सिल्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसे वाइट तथा येलो कलर के सिल्क प्राप्त होता है और इसकी जो स्पीसीज है मोरस अल्वा मोरस अल्वा वाइट मलबरी स्पीसीज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको मलबरी सिल्क को आसानी से पाला जा सकता है। तो ये मलबरी सिल्क के बारे में था। सेकंड जो सिल्क बॉर्म है उसको टसर सिल्क बॉर्म कहते हैं। टसर सिल्क बॉर्म ये एक वाइल्ड स्पीसीज है और इसको सामान्यतः कोसा सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसा सिल्क भी कहते हैं। इसका एक जीनस है, जीनस इसका एंथेलिया एंथेलिया इसकी दो स्पीसीज हैं, एंथेलिया रॉयली स्पीसीज और एंथेलिया पेपिया पेपिया। ये दो स्पीसीज हैं जिनके द्वारा हम टसर सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो कोकून है, इसका जो टसर सिल्क का जो कोकून है वो मुर्गी के अंडे के समान ये लाल साइज का तथा ये ब्राउन तथा येलो कलर का होता है। अब इसमें इसके जो सिल्क बॉर्म को आसानी से नहीं पाला जा सकता और ये जो टसर सिल्क है ये ओक्स बेर गुलर और ये साल की पत्तियों को ये खाता है। ओक साल बेर गुलर की पत्तियों को ये जिसके द्वारा ये अपन टसर सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है आपकी एरी सिल्क, जिसको अरंडी सिल्क भी कहते हैं, एरी सिल्क भी कहते हैं। और इसका जो जीनस है अटेकस रसनी, अटेकस इसका जीनस है, रसनी इसकी स्पीसीज है। और ये एक कैस्टर यानी कि ये कैस्टर या अरंडी की पत्तियों को यह खाता है, जिसके द्वारा हम एरी सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो सिल्क है वो है मुंगा सिल्क। मुंगा सिल्क को आसाम सिल्क भी कहते हैं। कौन सी सिल्क कहते हैं? आसाम सिल्क भी कहते हैं और आसाम सिल्क भी कहते हैं। और इसका जो जीनस है एंथेरिया एसेमेंसिस, इसकी जो जाति है एसेमेंसिस है। और ये एक प्रकार से आसाम में एक प्लांट पाया जाता है जिसको सोम प्लांट कहते हैं और मुंगा सिल्क प्राप्त करने के लिए सोम प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुंगा सिल्क के बारे में था। हाँ, इन चारों को ये जो सिल्क बोर्ड में उनमें से एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क भी कहते हैं क्योंकि इस एरी सिल्क में इसके लार्वा को मारा नहीं जाता। ये एरी सिल्क की विशेषता आपको क्या विशेषता क्या है? इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं और क्योंकि इसके लार्वा को मारा नहीं जाता बल और जितने भी सिल्क बोर्ड में उसमें सभी के लार्वा को किल किया जाता है। फिफ्थ नंबर की है फगार सिल्क। फगार सिल्क को अटेकस जिसको एटलस एटलस इसकी जो जाति है एटलस है अटेकस है एटलस और
ये जो फगा सिल्क है इसको बायर स्पीसीज होती है और ये सबसे बड़े आकार का इंसेक्ट होता है। ये सबसे बड़े आकार का इंसेक्ट है और इसको लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट होता है। इसके अलावा से भी ये फगा सिल्क ने सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जिस सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है तो वो है मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे अधिक होता है। और हम ये देखें कि और पूरी दुनिया में जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है तो वो है चीन, और चीन के बाद में सेकंड नंबर पर भारत आता है, और भारत के बाद में ये सभी जैसे फ्रांस, जापान, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी में सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके बाद में हमने ये भी देखा कि भारत में ऐसे पांच ऐसे स्टेट है जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है, सेकंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पर आपका तमिलनाडु है, और फोर्थ नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल है, और फिफ्थ नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है। तो इन सभी पाँचों स्टेटों में सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। हम ये देखें कि सिल्क का प्रोडक्शन भारत में सबसे अधिक 88 से 89% मलबरी सिल्क का के रूप में किया जाता है, और टसर सिल्क जो है 8% होता है इसका। इसका सिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है? 8%। और 1 या 2% एरी सिल्क या मूंगा सिल्क के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। 1 या 2% एरी सिल्क और मूंगा सिल्क के द्वारा हमें सिल्क फाइबर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में ये 4 या 5 प्रकार के सिल्क वॉर्म ये पाए जाते हैं। और ये भी देखें पूरी दुनिया में भारत ऐसा इकलौता मात्र देश है, पूरी दुनिया में भारत ऐसा इकलौता मात्र देश है जहाँ 4ों प्रकार की सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। जहाँ पर ये 4 प्रकार की जो सिल्क वॉर्म है उन सभी 4ों सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये इसकी टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में था। नेक्स्ट है आपका सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल। हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो इनमें ये सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वाले होते हैं। इनमें जो एडल्ट मेल है जो आपको दिखाई दे रहा है, एडल्ट मेल ये कैसे होते हैं? पतले शरीर वाले होते हैं, जबकि एडल्ट फीमेल ये कैसे होते हैं? भारी शरीर वाले होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? भारी शरीर वाले होते हैं। और इनके पंख जो विंग्स हैं वो छोटे होते हैं। इनके विंग्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और ये भारी शरीर होने के कारण ये उड़ नहीं पाते हैं। तो इनका जो एडल्ट फीमेल का जो जीवन काल है वो 3 से 4 दिन का होता है, और ये अपने जीवन काल में कुछ नहीं खाते। फिर इनमें पॉपुलेशन के बाद में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग है वो मलबरी शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उन पर दिए जाते हैं। करीब 7 से 10 हैचिंग के 3 से 10 दिन के बाद में इनमें हैचिंग की क्रिया शुरू हो जाती है। हैचिंग की क्रिया 7 से 10 दिन में, 7 से 10 दिन में हैचिंग की क्रिया शुरू होती है। उसके बाद में ये 4 बार मोल्टिंग करने के बाद में जो फिफ्थ जो मोल्टिंग की स्टेज है वो उसको इन स्टार लार्वा कहते हैं। और ये जो उस लार्वा से इसका जो हैचिंग एग हैचिंग के वो उपरांत में 21 से 25 दिन में एक मैच्योर कैटरपिलर लार्वा कंप्लीट होता है। और ये जो मैच्योर कैटरपिलर लार्वा में के शरीर में किसकी बॉडी में 12 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 10 सेगमेंट एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। और इसके हेड यहाँ पर इसमें 5 जोड़ी सूडो लेग्स भी पाए जाते हैं, और इसके इस एनल वाले भाग पर डोर्सल होर्न पाया जाता है। जब ये मेसोपरकिप कैटरपिलर लार्वा है और ये परकप हो जाता है तो ये भोजन लेना बंद कर देता है, और अपने ये हेड रीजन से और ये अपने शीर्ष भाग में एक जोड़ी सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये जो सेलिवरी ग्लैंड है जिनसे एक तरल पदार्थ सीक्रेट होता है, और यह तरल पदार्थ वायु के संपर्क में आकर सूख कर कड़ा हो जाता है। और ये अपने मुख से ये क्या होता है कि ये धागा निकालता रहता है, और हेड के जो हेड है उसके चारों ओर लिपटता जाता है। करीब ये देखें 3 से 4 दिन में जो सिल्क है, जो सिल्क का जो
हमको रेशम का जो धागा है करीब 1000 से 1500 मिलीमीटर हम सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में 1000 से लेके 1500 मिलीमीटर हम सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में ये अपने लिए कैटरपिलर लार्वा को कोकून में इसको कवर कर लेता है। कोकून के भीतर ये प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद में इस कोकून को या प्यूपल सेक भी कहते हैं, इस कोकून को अगर कोकून कट ओपन अगर इसको गर्म पानी में डाल देते हैं तो इसका पुपा नष्ट हो जाता है और हमको सिल्क प्राप्त हो जाता है, सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमको सिल्क प्राप्त नहीं करनी होती है तो ये प्यूपा भीतर से एक क्षारीय द्रव से सीक्रेट करता है जिससे कोकून को कट कर दिया जाता है। और इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उस स्टेज में ये परिवर्तित एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से इसकी लाभ जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये सिल्क प्राप्त करने का ये तरीका है। ये कोकून होता है, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे इसका प्यूपा बन जाता है और हम सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। ये मैच्योर्ड कैटरपिलर लार्वा का डायग्राम था। तो ये सिल्क वर्म लाइफ साइकिल के बारे में था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।